गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, लेट स्टार्ट द एक्सरसाइज 4A। यस्टरडे हमने आपको बेटा हिंदू अरबिक नंबर को रोमन नंबर्स में चेंज करने के कुछ रूल बताए थे, तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4A। सो ओपन योर बुक पेज नंबर 34 एंड सी द सेल्फ प्रैक्टिस 4। क्वेश्चन नंबर 1, या जैसा आप बोर्ड पे देख रहे हैं, सेल्फ प्रैक्टिस 4A का क्वेश्चन नंबर 1 है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। ये कुछ नंबर आपको दिए हुए हैं, न्यूमरल्स चेंज करके आपको लिखने हैं कि क्या नंबर में फॉर्म होंगे। एक्स, एक्स की वैल्यू 10। अब हमने आपको बताया अगर ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट के लेफ्ट हैंड साइड में, ग्रेटेस्ट वैल्यू के लेफ्ट हैंड साइड में अगर स्मॉलेस्ट वैल्यू है तो वी विल सब्ट्रैक्ट द स्मॉलेस्ट वैल्यू। 10 ये क्या है आपका 4, दिस इज 4 एंड वैल्यू विल बी 14, 14 आपका आंसर। सी, सी मीन्स कल चार्ट में आपने देखा होगा, सी मीन्स 100, सी जो है सी शो करता है 100 को, तो हमारे पास 2 टाइम्स सी है मीन्स 200, 20, 10 लेफ्ट हैंड साइड में आई, 10 में से अगर हमने 1 को माइनस किया आई को तो वैल्यू विल बी 9 एंड आंसर विल बी 229। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सी, सी मीन्स 100, 50 माइनस 10 40, 100 प्लस 40, आफ्टर दैट वी आई आई आई, 3 टाइम्स आई मीन्स 3, वी और 3 टाइम्स आई मीन्स 8, वैल्यू विल बी 148। ओके, नेक्स्ट इज 500, यहाँ पे आपको दे रखा है बुक में 500, डी शो करता है 500, 500 में से आप ये बताइए कि अब हमें कौन सी वैल्यू को माइनस करना है, सी, सी किसको शो कर रहा है 100 को, तो 500 में से 100 को हमने माइनस कर दिया, आंसर आएगा हमारा 500 में से 400 को माइनस करके, पहले 400 को माइनस करके 400, आफ्टर दैट एल, एल मीन्स 50, आफ्टर दैट 2 टाइम्स आई, 2 टाइम्स आई मीन्स 2 एंड वैल्यू विल बी 452। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 4A। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको रोमन न्यूमरल्स दिए हुए हैं और उन्हें हिंदू अरेबिक सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको चेंज करना। ओके, नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में जो है आप इजीली कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग रोमन न्यूमरल्स इन हिंदू अरेबिक। रोमन न्यूमरल्स आपको दिए हैं, रोमन न्यूमरल्स आपको दिए हुए हैं और किसमें चेंज करने हैं आपको, हिंदू अरेबिक सिस्टम में, इसमें आपको ये चेंज करना। ए, सेकेंड ए, आई थिंक यू ऑल आर नो आई बी, क्या वैल्यू होगी आपकी 4। मैं यहां पे आपके कुछ सिलेक्टेड पार्ट करवाती हूं, सपोज आप देखिए एफ, जितने भी रिमेनिंग पार्ट है वो आप सेल्व करें अपनी फेयर नोटबुक में। एफ में है आपकी वैल्यू ये एक्स, 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 नाउ वी आई आई, तो वी विल एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, आफ्टर दैट प्लस वी प्लस आई एंड आफ्टर दैट आई। अब आप देखिए एक्स मीन्स 10, अगेन एक्स मीन्स 10, अगेन 10, वी वैल्यू 5, आई मीन्स
वन और नेक्स्ट वन, टेन 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 विल बी थर्टी, थर्टी फाइव, थर्टी सिक्स एंड थर्टी सेवन. इसे अगर हम हिंदू अरेबिक सिस्टम में चेंज करें, नाउ वैल्यू विल बी थर्टी सेवन. एक और क्वेश्चन है आपका पी, सेकेंड क्वेश्चन का पी पार्ट. सी एम एल एक्स एक्स आई बी, इन्हें हमें चेंज करना है हिंदू अरेबिक सिस्टम के अकॉर्डिंग. फर्स्ट सी 100, एम क्या शो करता है 1000, 50 सॉरी एल प्लस एक्स और प्लस आई बी, क्योंकि बी हमारा 5 है और लेफ्ट हैंड साइड में जिसकी सेपरेट सेपरेट वैल्यू आप उनको सेपरेट करके लिखिए. अब देखिए यहाँ पे देखिए एम, एम के लेफ्ट हैंड साइड में सी है, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में है तो हम यहाँ पे प्लस का साइन नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे सी एम. अब वैल्यू हो जाएगी हमारी 1000 में से हमने सी को माइनस करा तो वैल्यू विल बी 900. नेक्स्ट 50, नेक्स्ट 10, नेक्स्ट एक्स मीन्स 10 और नेक्स्ट 4. नाउ आंसर विल बी 950, 60, 70, 974. ये आपका आंसर. ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3. थैंक यू.